वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चीज समोसा। ये है इंग्रेडिएंट्स। मैंने बॉयल श्रेडेड पेपर चिकन लिया है, समोसे की पत्ती, 1.5 कप ऑफ श्रेडेड चीज, ये स्प्रिंग ऑनियन को मैंने फाइनली कट कर दिया है, 1/2 टेबल स्पून ऑफ गरम मसाला, 9 पीसेस ऑफ गार्लिक, 5 पीसेस ऑफ ग्रीन चिली। ग्रीन चिली आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसे फाइनली चॉप कर दिया है, बिल्कुल फाइन इसे चॉप कीजिए। फिर मैंने पैन को प्रीहीट कर दिया है, इसमें 1.5 टेबल स्पून ऑफ ऑयल डालेंगे। फिर इसमें हम गार्लिक एंड चिली जो हमने चॉप किया है वो इसमें ऐड करेंगे। फिर इसे अच्छी तरह से इसे स्टर करेंगे ताकि गार्लिक की जो स्मेल है वो चले जाए। अच्छे से इसे भून लिया है, फिर इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह से भून ले, फिर हम इसमें श्रेडेड चिकन डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर ले। फिर हम सॉल्ट को चेक करेंगे स्टेज पे, अच्छे से इसे मिक्स कर ले 10 मिनट्स तक। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स करें। जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें हम अभी स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे, फिर हम इसमें चीज़ डालेंगे। हम पहले हाथों को अच्छे से वॉश कर ले, फिर हम इसे अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे। फिर अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है, फिर अभी हम समोसे का शेप बनाएंगे। ये आटे की लोई है, मैंने आटे में इसमें पानी ऐड करके इसे मिक्स कर दिया है। फिर हम एक समोसे की पत्ती लेंगे, उसे हल्के हाथ से इसे ऐसा टर्न कर देंगे आइसक्रीम कोन जैसा। फिर हम इसमें चिकन चीज समोसे का जो मसाला है हमने अभी इसमें वो डालेंगे। मैंने इसमें 1.5 स्पून डाला है, आप इसमें 1 स्पून भी डाल सकते हैं। फिर हम इसे अच्छे से ऊपर से प्रेस कर दें और मेक श्योर कि हमारे सब कॉर्नर्स अच्छे से कवर हो जाए। फिर हम इसमें आटे की लोई लगा देंगे, इसे हम ट्रायंगल शेप देंगे। हल्के हाथ से हम समोसे का शेप बनाएं। यह हमारा समोसे का शेप बन के रेडी है। ऑयल को हम चेक करने के लिए हम इसमें समोसे की पत्ती का छोटा सा पीस डालें, जब वो अच्छे से ऊपर आ जाएगा तो ऑयल में, तो फिर हम समोसे ऐड करेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, अच्छे से टर्न कर देंगे। समोसे को हम लाइट ब्राउन फ्राई करेंगे, डार्क ब्राउन इसे फ्राई नहीं करें। समोसे हमारे फ्राई हो गए, अभी हम इसे डिश आउट करेंगे। आप प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।